बादल देवनाथ जी, राम मंदिर को लेकर इतना सियासी हंगामा क्यों हो रहा है? राम मंदिर को राजनीति से जोड़कर क्यों देख रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग? जय सियाराम। मैडम, हैप्पी न्यू ईयर। और इंडिया टीवी के चैनल के माध्यम से देशवासियों को मैं नया साल की शुभकामना देता हूँ। मैडम, आज मोदी जी का एक भाषण सुना और आप लोग भी दिखा रहे राम का आगमन, राम आएंगे। मैडम, इसका मतलब क्या है? राम आएंगे मतलब राम तो सीता जी से पहले था, कालवीर आज भी है, कालवीर आएंगे। दूसरा बात है, 10 करोड़ लोगों को न्योता दिया जा रहा है, मतलब इसका आंसर कौन लेगा? उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग है, 25 करोड़ लोगों को न्योता दिया गया है, उनके देशवासियों को न्योता दिया गया है। तीसरा बात, चौथा बात है मैडम, राम के नाम पर करोड़ रुपया लूटा जा रहा है, राम के नाम पर दंगा हो रहा है, राम के नाम पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है, राम के नाम पर दलित महिला पर अत्याचार हो रहा है, राम के नाम पर बंगाल में घूम रहा है, राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ है, राम के नाम पर उत्तर प्रदेश बुलडोजर चल रहा है, इसका मतलब क्या है मैडम? इसका ऐसा लेना चाहिए। बादल देवनाथ जी, आप सब मुद्दों को एक साथ लेकर आते हैं। मैं आज यही कैलकुलेशन समझने बैठी हूं कि जब राम मंदिर की चर्चा हो रही है तो आपको देश के बाकी मुद्दे भी याद आ रहे हैं। ये कनेक्शन क्या है, आप कैसे जोड़ते हैं राम मंदिर बनने से? एक मिनट, राम मंदिर बनने से या राम मंदिर के उद्घाटन होने से ये बाकी मुद्दे कैसे प्रभावित होते हैं, बताइए जरा, समझाइए। बाकी मुद्दे आप लोग को टीवी में दिखा रहे, मोदी जी का भाषण भी थोड़ा सा सुना, राम आएंगे, राम रहेंगे, राम आ रहा है, राम का आगमन, यही मैं सुन रहा हूँ। राम लाला का दर्शन कीजिए, राम आएंगे 22 तारीख को, राम आएंगे। अरे सर, मैडम, मोदी जी को एक बार इंडिया टीवी से मत भी बोलना चाहता हूँ, नेता जी के पहले भी राम था, होली जी चले जाएंगे, फिर चतुर्भुज आएगा, फिर सुतार कली जापुर पुली आएगा, फिर राम रहेंगे, राम तो है मैडम। मैं आपको सुना रहा, अभी तक राम कहाँ थे, राम कहाँ विराजमान थे, भगवान श्री राम कैसे टेंट में रहने को मजबूर थे, इस पर भी थोड़ा सा फिर चर्चा करनी पड़ेगी ना कि वो टेंट में क्यों रखे गए, टेंट में क्यों विराजमान थे भगवान श्री राम। अब उनका राम मंदिर बन रहा है तो ये राम मंदिर को आप देश के बाकी मुद्दों से कैसे जोड़ रहे हैं, मैं ये समझ रही हूँ आपसे। गंभीर विषय उठा रहे हैं आप, तो कोई तो कैलकुलेशन होगा आपके पास। मैडम 10 सेकंड, राम भगवान कृष्ण का सप्तम अवतार है, अष्टम अवतार कृष्ण, नवम अवतार बलराम, दशम अवतार कल्कि। मैडम एक नाम भगवान विष्णु अवतार राम है, और राम राम भगवान से मतलब आपके चैनल के माध्यम से आप पहले फर्स्ट जनवरी है भगवान विष्णु का नाम एक बार थोड़ा सा के शर्मा को सुनाना चाहते हो भाजपा के नेताओं लोगों को, बीएसपी नेता को, ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत देवताय कृष्णाय गोविंदाय नमो पाप भगवान पापता पाप संग त्रायवान पुण्यगान सर्व पाप हरो हरि। और सब मिले के शर्मा और भाजपा के नेता जितना प्रवक्ता है, जितना भाजपा के कार्यकर्ता आदेश के साथ सबको मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जय सिया राम बोलिए, सीता माता के साथ बोलिए। यही तो पूछ रही हूँ बादल देवनाथ जी, आप लोग इतना राम को समझते हैं, भगवान श्री राम के चरित्र को समझते हैं, आप यहाँ बैठकर मंत्र भी पढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं भगवान श्री राम का महत्व क्या है, तो मंदिर के उद्घाटन में जाने से क्या बदल जाएगा या मंदिर के उद्घाटन का बायकॉट करने से क्या बदल जाएगा? आप महिला है, और 10 सेकंड मैं चला जाऊंगा मैडम, मैं और 10 सेकंड मैं दूसरे मीटिंग है मेरा मैडम, मैंने आप रिक्वेस्ट किया, और माँ लक्ष्मी अवतार सीता माता तो है। आपके पास जितना वक्त है बादल देवनाथ जी, आप मेरे सवालों का भी तो जवाब देंगे ना, ऐसे थोड़ी ना है आप जो सोच कर आए हैं, आप जो लिख कर लाए हैं वही बोलेंगे, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ वो जवाब भी तो देना पड़ेगा ना आपको। आप इतने बड़े राम भक्त हैं तो राम मंदिर के उद्घाटन का बॉयकॉट करके या उसमें आपको सियासत अगर नजर आ रही है, कैसे आ रही है यही समझा दीजिए। चलिए, मेरा मेन सब्जेक्ट है माइथोलॉजी है मैडम, LLB माइथोलॉजी है, भगवान विष्णु वैष्णव कुमार मानता हूँ, सारे दशम अवतार को भी मानता हूँ, लेकिन राम यहाँ कोई प्रश्न नहीं कर रहा है आपकी माइथोलॉजी पर, यहाँ कोई प्रश्न नहीं कर रहा है आपके आपके कितने बड़े आप राम भक्त हैं, मैं सिर्फ प्रश्न इतना कर रही थी कि राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से क्या बदल जाएगा, इस पॉइंट का जवाब जानना चाह रही थी मैं आपसे। खैर